तीन देखो तीन ना आपकी सुनी आप इनकी सुनो। देखो एक बात की तो खुशी है, हेयर स्टाइल तो थारी पार्टी वाला इनका देवीलाल वाला स्टाइल है, हेयर स्टाइल देखो ना, हेयर स्टाइल तो मिल गया। तो इन लोग की उम्मीदवार हैं सुमन लता जी, डॉक्टर भी आप भी डॉक्टर ने मिले, अच्छा आप एडवोकेट हो। देखो भाई यह खास बात है कि डॉक्टर ने भी टिकट और वकील ने मिल गई, और सबसे बड़ी बात है और पार्टियां टिकटा खतरा तो मारा मारी आपा दापी है, इन लोग की टिकट लेना बहुत बड़ी बात है। ताड़ी बजा दो भाई, ताड़ी बजाओ मैडम, इन लोग की टिकट ले रहे हैं। ऐसे है, सभी को नमस्कार। हाँ। लग है जी हरी ड्रेस वाले काले ड्रेस पहन रहे हैं, वकालत कर रहे तो राजनीति में कहता हरे हरे पैर के चले रहो। ऐसे है, हरा और काला सभी साथ चलता है, क्योंकि सभी का दिल हरा होता है और ज्यादा हरा हरा हो गया तो नजर भी लग सकती है, इसलिए काला की जरूरत है। और जहाँ तक इनेलो की टिकट लेने की बात है तो मैंने तो कभी सपने भी नहीं सोचा था। अच्छा? क्योंकि मैं 2000 में शादी हुई थी गोरखपुर गांव में, और 1995 से लेके 2000 तक मैं जिला मैंने साक्षरता में काम किया था, समाज सेवा। उस टाइम भी मैं घूंघट निकाल के भाषण देती थी। अच्छा, और फिर 2000 का इलेक्शन आया, जब जिला परिषद का इलेक्शन आया तो गांव वालों ने कहा कि आप बहू रानी खड़े हो जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है राजनीति में। बोले आपने कुछ नहीं है, वोट मांगनी है। और फिर मैंने वोट मांगे, उस टाइम मेरा घूंघट खुला। अच्छा, और सब मांगने के लिए वोट मांगने के लिए। अच्छा, और घूंघट खुलते ही मुंह दिखाई के रूप में वोट मिली। यस, घूंघट खुलते ही क्या हुआ, गोरखपुर गांव की मैं बहू और मैं वोट मांगने गई कि जी मेरे को वोट देना। बोले तू कौन है? मैंने कहा जी मैं आपकी गांव की बेटी हूँ और शिवाज साहब शास्त्री जी की वाइफ हूँ। बोला ना ना, फिर तो कोई बात नहीं बेटा, हम तेरे साथ है। ऐसे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। एक बात है, पक गए आप तो ही, पक गए राजनीति में। तो इस प्रकार से मेरी बात सुनो। और उसके बाद में फिर मैं गांव में गई, सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, प्यार प्रेम दिया। और जब मैंने घूंघट खोला ना तो कई कहने लगी, बोले देखो शास्त्री की घरवाली घूंघट खोल रही है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अगर हम घूंघट निकालते हैं और सास अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते और सुसरे की मूछ पाड़ते हैं तो उस घूंघट का क्या फायदा। मैंने कहा मैं आपकी सबकी सेवा करूंगी। और उन्होंने उसके देखा देखी कई महिलाओं ने भी घूंघट खोल दिया और आज सभी मेरे को बेटी की तरह प्यार देते हैं। और जिन गांव में चौपालों पर कभी चढ़ने नहीं दिया था, जैसे नहला है, दैमन है और कई गांव में, उस चौपाल में पहली बार मैं चढ़ी थी। आपकी राजनीति तो आसान होगी, ठाएगा घूंघट घूंघट ठुआए जाओ सारी आपके। आपके तो वोट पक्की है, जिनके घूंघट उठेंगे वो भी साथ में है। लेकिन एक बात और बताती हूँ कि जिस प्रकार आज के दिन मुकाबला है, उसके टाइम भी वही, उसी दिन वहाँ भी जब ये मुकाबला था, जो मेरे सामने कैंडिडेट थे वो बहुत ही करोड़पति थे और मैं गरीब घर की, लेकिन मेरा जनता के साथ, जनता का प्यार था मेरे साथ में। और जिस आज उस टाइम भी यही हुआ था कि उन्होंने तो काफी करोड़ रुपए अपने लाखों रुपए शराबों में किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये कहा अगर आप नहीं, नहीं ये तो साथ ही है, कोई बात नहीं। मैंने ये कहा कि आप मुझे वोट दोगे तो आपको कहीं भी अपने सीधे मेरे पास आओगे और मैं आपके पास आऊंगी और काम करवाऊंगी। इनेलो वाले पर आरोप लग गए, नो कह बोला ये बीजेपी की टीम भी ऐसा कोई भीतर भीतर शिफ्ट करवा रहे हैं सारे नेता, मतलब वो आबे छोटा लगे लोग काम हो गए। बोले आधे मेरे दाएं आधे बाएं, बाकी मेरे पीछे पीछे थे, क्या कुछ नहीं, सारी टीम ऑल आउट होली। तो अब मैं पूछना चाहूँ जो जो शिफ्ट होने लग रहे हैं सारे के सारे, तो इनेलो बीजेपी के लिए मिल रही है ये बताओ। ऐसे है, ऐसे कोई बात नहीं है, इनेलो बीजेपी मेरे सवाल नहीं है, पब्लिक में पब्लिक का, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इनेलो बीजेपी के साथ नहीं मिली हुई, सबका उद्देश्य क्या है, सेवा करना। अच्छा। और सेवा करने के उद्देश्य से ही मैं आया हूँ। मैं बताती हूँ, आप कहते हैं इनेलो की टिकट लाए हैं, मुझे खुद नहीं पता था मुझे टिकट मिलेगी। रात को 11:58 पर चौटाला साहब का फोन आया, अभी फॉर्म भरो। मैं, मेरे हस्बैंड थाईलैंड गए हुए, घबराहट होगी आपके, नहीं घबरा गए, नहीं नहीं घबराहट नहीं हुई। मैंने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड थाईलैंड गए हुए थे, उनको मैंने फिर 5 बजे मैसेज किया, 2 बजे तक आए, 3 बजे तक फार्म भरना, लेकिन आप सभी के सहयोग से फार्म भर गया। हड़बड़ाहट क्यों होगी, क्योंकि मेरा तो यही है, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। और मैं पतंजलि योग समिति की जिला की सह प्रभारी भी हूँ और उसके साथ PNDT की मेंबर भी हूँ, और कोर्ट फतेहबाद कोर्ट में वोमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट है उनकी भी मेंबर हूँ। और मैं आपका फायदा करेंगे जी। और मैं बीजेपी की वोट उसके साथ साथ मेरी लाडो लोक की समिति है
उसकी भी मैं प्रधान रही हूँ और उसमें भी मैं काम करती रही हूँ, बुजुर्गों का पेंशन बनवाना और जो नौजवानों के मुद्दे हैं, विशेषकर नशा समाप्त नशा के लिए बोलूंगी, नशा के लिए, टाइम लिए समर्थन में सबसे पहले मैं महिला थी जो अनशन पर बैठी थी और आज भी मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप नशा मुक्त मैं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बेटों की क्या समस्या है, क्या है और हम करवाएंगे जातिवाद मुक्त। मैं कहूँगा जातिवाद तोड़ो तो हम कहिए भाईचारा तोड़ो, इन राजनीति है ना बहुत ज्यादा तेज आन देगी इनकी तो इतनी तेज आवाज तो हम बोल देनी तेज आन दियो तुम्हें जातिवाद तोड़ो जातिवाद तोड़ो जय हरियाणा जय हरियाणा जय हरियाणा। ठोको शेर बार वीडियो देखियो हिसाब लाइयो कौन कितना पानी में है। 21 तारीख में वोट पड़ेंगे, 24 ने डोल की पोल खुलेगी, किसके तंबू पाटेंगे किसके तंबू तड़ेंगे बेरा पड़ जाएगा 24 ने मार गए बने रहो। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू जय हरियाणा ठोको शेर करमू भाई कितना टाइम दोगे।